वेलकम फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और इस वीडियो में जो है मैं आप सभी से बात करने वाला हूं कि अगर आप LNT की GET यानी ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो अगर आप इंटरव्यू में पहुंचते हो तो फिर आपसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस मीन्स कुछ फिक्स तो नहीं हो सकते हैं, लेकिन आइडिया आपको लग सकता है कि कैसे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं। ओके, तो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस है मेरे पास जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो देखिए, सबसे पहले जब वो आते हैं तो मीन्स सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स तो रहते ही हैं, साथ में जो है वो फील्ड एक्सपर्ट्स भी रहते हैं। ओके, तो वो कुछ अपना पहले इंट्रोडक्शन देते हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं अभी। ओके, और कौन से मेजर प्रोजेक्ट्स पे अभी काम कर रहे हैं, आपके बारे में भी वो बताएंगे कि अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप कहाँ पे काम करोगे। ये सभी कुछ थोड़ा सा ब्रीफिंग देते हैं 2-3 मिनट। उसके बाद जो है वो जैसे एक किस्म पहला तो यही क्वेश्चन रहता है कि टेल अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो ये आपका बेसिक सा क्वेश्चन होता है। और इसके बाद जो है वो क्वेश्चंस आता है मीन्स आपके स्ट्रेंथ के बारे में, मीन्स एक फ्लो सेट ऑफ क्वेश्चंस, जैसे 4-5-6 क्वेश्चंस एक साथ में जो है उन्होंने पूछा कि आपका अबाउट योर सेल्फ, अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, अबाउट योर फैमिली एंड अबाउट योर गोल्स। तो ये सभी चीज़ें मीन्स एक साथ वो लोग पूछ लेते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे भी ऐसा पूछा जाए, लेकिन हाँ मीन्स ऐसा भी जो है वो हुआ है। तो अब जो है वो इसके लिए तैयार रहना कि वो जिस सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछते हैं तो वो सभी आपको आंसर देने हैं। क्योंकि मेरे केस में ऐसा हुआ था कि मैं भूल गया था एक या दो, तो मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो आप ये गलती मत करना अगर आपके साथ ऐसा होता है तो। ओके, सो ये सभी आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपके बारे में, ये सभी आई होप कि आप जो है वो प्रिपेयर कर लोगे। इसके बाद आगे आते हैं तो टेक्निकल पार्ट में अगर एंट्री करते हैं तो टेक्निकल पार्ट में पहले वो बेसिक सा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि अब जैसे मेरे केस में ऐसा हुआ कि वो टेक्निकल पार्ट में जो है वो मेरे एकेडमिक पे नहीं जाके डायरेक्ट जो है वो कोर के बारे में बात चालू हुई। ओके, तो बहुत हाई स्टैंडर्ड का डिज़ाइन पार्ट का तो कुछ क्वेश्चंस उन्होंने ऐसा नहीं पूछा, लेकिन हाँ उन्होंने मेनली जो है वो कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन पूछा। तो जैसे क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँगा, तो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स इन्वॉल्वड इन सीमेंट। ओके, तो मीन्स वो पूरे एक्सप्लेन करके पूछते हैं, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस लिख सकते हो। ओके, तो जैसे क्वेश्चन था सीमेंट प्रॉपर्टीज़, सीमेंट में कंपोनेंट सॉरी। ओके, उसके बाद जो है वो सीमेंट में कौन सा जो है वो कंपोनेंट सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देगा। ओके, सो ये सभी इंग्लिश में था, लेकिन मैं आपको जो है वो मीन्स हिंदी में और इंग्लिश का ऐसा मिक्सचर करके बता दे रहा हूँ, मुझे बताने में इजी है। ओके, सो स्ट्रेंथ कंपोनेंट कौन सा जो है वो कंपोनेंट स्ट्रेंथ देता है सीमेंट में। आफ्टर दैट मिनिमम ग्रेड ऑफ RCC। ओके, मीन्स RCC का मिनिमम ग्रेड क्या होता है। ओके, और उसका जो है वो रेशियो क्या होता है। ओके, फॉर सपोज कि अगर आप RCC का M25 बोलो या 20 बोलो तो उसका रेशियो क्या होगा। ओके, जैसे 1:1.5:3 ऐसा। तो ये सभी। ओके, उसके बाद व्हाट आर द एक्सपोजर कंडीशंस जैसे कि माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर, एक्सट्रीम। तो इस ये पूछा गया। ये पूछने के बाद जो है वो पूछें कि एक्सट्रीम कहाँ पे होगा। ओके, एक्सट्रीम कहाँ पे होगा, तो ये भी एक क्वेश्चन था। उसके बाद जो है वो व्हाट डज M20 रिप्रेजेंट, मीन्स अगर M20 होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ मिक्स डिज़ाइन। ओके, कंपोनेंट्स क्या क्या मिक्स डिज़ाइन में जो है वो ड्यूरिंग मिक्स डिज़ाइन कैलकुलेशन यूज़ होते हैं, एंड रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स, ये सभी मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वॉल्यूम बैचिंग होती है या वे बैचिंग। ओके, यानी कि मास या वे बैचिंग होती है या फिर वॉल्यूम बैचिंग। ओके, आई होप कि इसका आंसर आपको पता होगा। वैसे आंसर है इसका बाई वेइंग बैचिंग, वॉल्यूम बैचिंग से हम लोग मिक्स डिज़ाइन नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद जो है वो कि व्हाट जो ब्रिक होती है, ब्रिक ईंट। ओके, तो ईंट में जो फ्रंट पोर्शन में जो इंप्रेशन होता है या डिप्रेशन होता है उसे क्या कहते हैं और उसे क्यों प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन था। उसके बाद जो है वो व्हाई डू वी प्रोवाइड, उसको फ्रॉग बोलते हैं एक्चुअली, तो व्हाई डू वी प्रोवाइड फ्रॉग। उसके बाद एकेडमिक प्रोजेक्ट्स की बात करें तो फिर वो बीच में मीन्स एकेडमिक प्रोजेक्ट पे भी स्विच किए, कोर इलेक्टिव वाले पार्ट पे भी स्विच किए कि तुम्हारा कोर इलेक्टिव कौन सा है। ओके, तुम्हारा प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट में क्या कर रहे हो, तो ये सभी भी वो लोग पूरा जानना चाहते थे। तो वो ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, इसलिए मैं इसमें कुछ भी नहीं जा रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि आप प्रोजेक्ट में आखिर कर क्या रहे हो। ओके, और आपका
कोर इलेक्टिव क्या है, ये सभी पे उन्होंने पूछा। और मेरे कुछ फ्रेंड्स जिनसे जो है ये भी पूछा गया था, जैसे उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन जो है वो साइट पे अपना इंटर्नशिप किया था, तो उस कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में पूरा उन्होंने उनसे पूछा गया, क्या काम किया, क्या उन्होंने सीखा। ओके, तो ये सभी पूरा अगर आपका इंटर्नशिप किसी कंस्ट्रक्शन के फील्ड में है हुआ है तो इंटर्नशिप पे आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत डेप्थ में भी वो लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, मीन्स क्या आपने सचमुच सीखा है या नहीं सीखा है, तो ये सभी भी क्वेश्चन आपसे पूछी जा सकती है। ओके, विथ व्हाट मशीन मिक्स डिज़ाइन मिक्स मीन्स कंक्रीट इज़ मिक्स्ड, मीन्स कंक्रीट को मिक्स करने के लिए जो है वो कौन सा मशीन का यूज़ किया जाता है, और फिर जो है वो हमारे लैब लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स के बारे में पूछ रहे थे कि व्हाट इज़ स्लम्प टेस्ट। ओके, और क्यों करते हैं स्लम्प टेस्ट, कैसे करते हैं। उसके बाद जो है वो वाटर एब्जॉर्प्शन इन द ब्रीक। ओके, इसके बाद जो है वो ओके हाँ, फिर जो है वो टेस्टिंग जब हम लोग करते हैं कंक्रीट की तो कितने दिनों के बाद करते हैं, तो उसके बाद जो है वो दो आंसर भी हो सकता है कि एक 28 डेज़ पे और एक 7 डेज़ पे। तो 7 डेज़ के बाद जो है वो कितना स्ट्रेंथ गेन हो जाता है, और ये भी क्वेश्चंस यूजुअली पूछा गया। उसके बाद जो है वो जो सिग्मा होता है, ओके, मीन्स ड्यूरिंग मिक्स डिज़ाइन वो सिग्मा क्या रिप्रेजेंट करता है, वो हम लोग कहाँ से निकालते हैं, ये सभी के बारे में भी। उसके बाद जो है वो हाउ मेनी क्यूब्स टू बी कास्ट फॉर टेस्टिंग, ओके, ये क्वेश्चन भी पूछा गया। उसके बाद हाँ, और भी कुछ स्टूडेंट्स से जैसे कि मेरे दोस्त थे, तो ये तो मुझसे पूछा गया इतना। और साथ ही में जो है वो आपके प्रोजेक्ट के बारे में बहुत डिटेल में पूछते हैं, वो बात तो फिक्स है, अगर उसका कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है तो वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आई एस 456 है ना, तो उसमें जो कंक्रीट वाला पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वाटर के बारे में भी पूछ सकते हैं, ओके, मीन्स कंक्रीट के बारे में पूछ सकते हैं, रिइंफोर्समेंट के बारे में भी पूछ सकते हैं। ओके, सो वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि जो आप आंसर दे रहे हो सही है। ओके, और मीन्स ब्लफ करने की उनको कोशिश मत करो, क्योंकि वो लोग बहुत सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, तो आप उन्हें मीन्स झूठ का ऐसा कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको आता है तो हाँ सीधा बोलो, नहीं आता है तो आप ना बोलो। ओके, सो ऐसा जो है वो करना ज़्यादा सही रहता है। और उसके बाद जो है वो लास्ट में जो है वो एक टॉपिक भी देते हैं, और उस टॉपिक पे जो है वो 2 मिनट या 1 मिनट सोचना था और फिर 2 मिनट बोलना था। ओके, मीन्स वो टॉपिक उन्होंने दिया, और ये टॉपिक जो है वो वैरी हो सकता है, कुछ भी ये फिक्स नहीं है। ये मेरे साथ का ऐसा एक्सपीरियंस रहा, आपके साथ कुछ और एक्सपीरियंस हो सकता है, तो ये कुछ फिक्स नहीं है। लेकिन हाँ, एक आइडिया आपको लग जाएगा कि कैसे फ्लो ऑफ इंटरव्यू होता है, मीन्स लगभग 25 से 30 मिनट का इंटरव्यू चला, तो एक फ़्लो ऑफ इंटरव्यू कैसे होता है एलएनटी में, तो इसके बारे में आपको पता चलेगा। ओके, सो जैसे उन्होंने टॉपिक दिया कि टॉपिक था कि ओके चैलेंजेस इन आईटी कंपनी, ओके मीन्स व्हाट आर द चैलेंजेस इन आईटी कंपनी, एक ये टॉपिक था। एक हमारे फ्रेंड से ये टॉपिक दिया गया था कि क्रिप्टो करेंसी इज एंड बिटकॉइन इन्फ्लुएंस, ओके क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन इसके रिलेटेड जो है वो कुछ टॉपिक आया हुआ था, तो उसके इन्फ्लुएंस के बारे में जो है वो बताना था। और एक था कि चैट जीपीटी इन्फ्लुएंस इन आईटी सेक्टर। ओके, सो ये तीन टॉपिक जो कि मैंने आपको बताया, कुछ मेरे जो फ्रेंड्स से मेरी बात हुई तो उन्हें जो टॉपिक दिया गया था, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं जो कि आपसे जो है वो पूछे जा सकते हैं, और आपको जो है इन सभी के बारे में तैयारी कर लेनी चाहिए। और मीन्स ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि यही क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली आप जैसा बोलोगे उनका रिएक्शन उस पर कुछ और होगा, और उस पर क्वेश्चन उनके कुछ और आएंगे। ओके, तो ये जो है वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, तो आपको डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट इन सभी के बारे में। मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चन जो कि कॉमन टाइप के रहते हैं वो आई एस 456 से, तो वो वाला पार्ट आपको क्लियर रखना है, अपना मिक्स डिजाइन वाला पार्ट, आप कंक्रीट टेस्टिंग वाला पार्ट, ओके, और जो बेसिक कंक्रीट मटेरियल्स हैं उनके बारे में, तो ये सभी पार्ट आपको एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। फिर उन्होंने कुछ ये भी क्वेश्चंस पूछा कि अगर आप जॉब लोकेशन मीन्स अगर आप शिफ्ट करने के लिए तैयार हो या नहीं हो, ओके, मीन्स अगर आपको ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी जॉब मिलता है तो आप करोगे या नहीं करोगे। फिर उनका ये भी था कि आप जो है वो साइड जॉब के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल हो या फिर ऑफिस जॉब के लिए, तो ये सभी भी क्वेश्चन उन्होंने जो है वो ड्यूरिंग इंटरव्यू पूछा था। ओके, सो
आई होप कि आपको जो है वो कुछ भी घबराना नहीं है और जो है वो अपना आंसर देना है। और इसका जो है वो प्रिपरेशन के लिए आप बहुत ज़्यादा, अगर आप सोचोगे कि डेप्थ में, बहुत ज़्यादा डेप्थ में, तो डिज़ाइन वाला पार्ट तो उन्होंने शायद मेरे किसी भी फ्रेंड से उतना नहीं पूछा, ओके। लेकिन जो एक तरह से मेमोरी बेस्ड टाइप जो है वो मुझे लगा कि ज़्यादा था, कंसेप्चुअल टाइम थोड़ा कम था, ओके, लेकिन मेमोरी बेस्ड भी ज़्यादा था, ओके। हाँ, एक दो और क्वेश्चंस मुझे याद आ रहे हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन कॉन्क्रीट, व्हाट इज़ ग्रीन कॉन्क्रीट एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन कॉन्क्रीट एंड नॉर्मल कॉन्क्रीट, ओके, ये वाला भी क्वेश्चन था। उसके बाद थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर किसी जगह पर क्योरिंग नहीं कर सकते हैं तो क्या वहाँ पर हम लोग क्योरिंग करेंगे या नहीं करेंगे, ओके। मीन्स आई वुड लाइक टू रिपीट कि अगर किसी जगह पर क्योरिंग पॉसिबल नहीं है तो फिर हम लोग जो है वो क्योरिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ओके। फिर जो है वो एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था कि अगर जो है वो आफ्टर 7 डेज ऑफ कास्टिंग, ओके, मीन्स अगर सब, उन्होंने एक टिपिकल एग्जांपल दिया कि अगर एक कॉलम को 7 डेज तक, मीन्स एक कॉलम को कास्ट किया गया और 7 डेज बाद उसकी जब टेस्टिंग की गई तो वो डिज़ायर्ड स्ट्रेंथ पर नहीं आ रहा है, ओके, सो व्हाट वुड यू डू, वुड यू स्टॉप द वर्क और वुड यू कंटिन्यू द वर्क एंड गिव रीज़न। सो ये वाला भी जो है वो थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप का क्वेश्चन था। तो इन सभी का मीन्स अप्रोप्रिएट आंसर तो अब मुझे नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन मुझे जो समझ में आया था वो मैंने दिया था, लेकिन मैं वो आपको आंसर नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं वो आंसर सही दिया उन्हें या गलत दिया, लेकिन मैंने क्वेश्चन आपको रिपीट कर दिए। अगर आपको फिर से सुना है तो आप वीडियो को फिर से पीछे जाके आप सुन सकते हो, ओके। सो आई होप कि आपको जो है वो मेजर टेक्निकल्स जो कि क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए वो मैंने आपको बता दिए हैं। और इसके अलावा भी जो है वो कुछ कुछ एक मीन्स सिचुएशंस वो आपको देते हैं कि आपके थिंकिंग की कैपेबिलिटी को जांचने के लिए कि आप कैसा रिएक्ट करते हो और कुछ टाइप का। हाँ, एक और भी प्रॉब्लम मुझे याद आ रहा है कि सर्वेइंग से भी उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। सर्वेइंग से क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ लेवलिंग, ओके, जो लेवलिंग होता है वो लेवलिंग कैसे करते हैं, उसके बाद व्हाट इज फोर साइट, व्हाट इज बैक साइट, पहले कौन सा लेते हैं, फोर साइट या बैक साइट, ओके, और इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज होते हैं, व्हाट इज हाइट ऑफ कॉलिमेशन, तो ये सभी क्वेश्चंस भी जो है वो आए थे। सो मेक श्योर कि आप जो है वो इनकी प्रिपरेशन अच्छे से करें ताकि जो है वो आप एग्जाम में अच्छे से अपीयर कर पाओ। तो मीन्स ओवरऑल व्यू आपको पता होना चाहिए। आप कुछ क्वेश्चंस पे स्टिक रह के सोचोगे कि हो पाएगा तो वैसा नहीं हो सकता है। आपको हर फील्ड से नॉलेज होना चाहिए, एक साइड पे जो जो वर्क हो सकती है वो सभी, उसके बाद जो टेस्ट होते हैं, ओके, कॉन्क्रीट के टेस्ट, सैंड के टेस्ट, एग्रीगेट के टेस्ट, इन सभी के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और क्यूब टेस्टिंग तो मैंने आपको बता ही दिया, फिर कंपोजिशंस ये सभी जो यूज होते हैं उन सभी के बारे में भी। सो आई होप कि मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता दिया है और कुछ क्वेश्चंस जो कि मैंने बताए आप शायद उन पे सोचेंगे। अगर आपको आंसर पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको आंसर नहीं पता है तो इस टाइप प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो उनसे, क्योंकि ये GET मेनली जो है वो ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग जो है वो यूजुअली ग्रेजुएट्स को हायर करती है और पोस्ट ग्रेजुएट्स को हायर करती है BTEC MTEC, और साइट की जॉब इनकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू ऑफिस। तो उस वजह से जो है आपको ये प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए, और वो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मांग रहे थे, ओके, जैसे कुछ चीज़ों का मैंने जब मीन्स उनका जो क्वेश्चन था उसमें जब मैंने आंसर दिया सही तो फिर वो पूछे कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वो सभी वो वाला भी पार्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए, ओके। सो आई होप कि जो मेजर ब्रॉड ईगल्स आई व्यू है तो वो मैंने आपको बता दिया है। और आपकी कैसी अगर क्वेश्चन आई थी आप भी अपने जो है वो क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि आने वाले जो भी हमारे जूनियर्स हैं या फिर हमारे जो भाई हैं बहन हैं वो उनके लिए हेल्पफुल होगा और उन्हें जो है वो एक आइडिया मिल पाएगा कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस इज आस्क्ड। और एक बात और है कि टेक्निकल प्लस HR जो है वो एकदम अलग अलग पूरा नहीं था, ओके, बीच में थोड़ा सा जो है वो मिक्सचर भी हो रहा था, ओके। सो फिर वो लास्ट में ये भी पूछते हैं कि इफ़ यू वुड लाइक टू आस्क एनी क्वेश्चन विथ अस, सो आप वो भी एक वाला पार्ट जो है वो तैयार करके रखना कि वो जो है वो पूछते हैं कि क्या आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। ये मैंने जो है वो 2 इंटरव्यू दिए हैं तो अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि ये वाला जो है वो पार्ट वो डेफिनेटली पूछते हैं, दोनों कंपनी में पूछा गया था। तो आप चाहे तो वो वाला भी वीडियो देख लेना, ओके, और कि आप अगर कुछ उनसे क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो देख लेना कि अगर आपको इंटरव्यू के दौरान भी कुछ डाउट हुई
हो या फिर आप पहले से कुछ क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, ऐसा नहीं कि नो सर ओके मीन्स आप कुछ पूछते हो तो शायद ये आपके इंक्विजिटिवनेस को बताता है आप हाउ मच एक्साइटेड यू आर. सो आई थिंक दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब.